तो भाई यार, आज हम बात करने वाले देश में ऐसे फैल रहे एक वायरस के बारे में जिसका नाम उर्फी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना यार, यह एक ऐसी वायरस है जो कभी बच्चों का खिलौना ही पहन के आ जाती है, तो कभी फटे हुए कपड़े, तो कभी अपना अंग प्रदर्शन करने लगती है। लेकिन यार, इस बार उर्फी जावेद ने तो हद ही कर दिया है। आइए देखें कि जिस चीज को अंदर पहनना चाहिए उस चीज को उर्फी ने ऊपर पहन के रखा है। यार भाई सीरियसली बताओ तो, मुझे ये नहीं समझ में आता कि उर्फी जावेद ऐसा खुराफाती दिमाग लाती कहां से है। भाई सीरियसली अगर बताओ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्फी जावेद शक्तिमान से इंस्पायर है, क्योंकि भाई शक्तिमान कपड़ों के ऊपर चड्डी पहनता था लेकिन लाल, और उर्फी जावेद कपड़ों के ऊपर चड्डी पहनती लेकिन सफेद। और यार पता है उर्फी जावेद ऐसा पहने ही क्यों ना, क्योंकि उर्फी जावेद का पता है पहली दोस्त कौन थी? अरे यार राखी सावंत। भाई राखी सावंत, मैं हूँ राखी सावंत, मैसूर बैंगलोर जा रही हूँ आदिल खान की बैंड बजाने। भाई इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़की पागल नहीं यार, महापागल है। भाई अगर इसे जल्दी इंडिया में बैन नहीं किया गया ना तो यह पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। भाई राखी सावंत पागल नहीं यार, महापागल है। अगर इसे जल्दी देश से बैन नहीं किया गया ना तो यकीन मानिए आप, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं इसके वायरस से। पानी यार बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो अंग प्रदर्शन और नंगा नाच चल ही रहा है, लेकिन यार अब ये लोग आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इन्हें ना रोका गया ना तो यकीन मानिए ये लोग देश का बेड़ा गर्द करने वाले हैं। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। भाई इनके लिए ना देश है ना धर्म है, बस देश में गंदगी और धर्म में अभद्रता फैलाना इनका काम है। करवा चौथ है, पूरा दिन फास्टिंग किया है, लेकिन जिनके लिए किया है वो कहाँ है पता नहीं। और मैं अपना व्रत ऐसे खोलूंगी, कैसे खोलूंगी? सिंगल लाइफ ऐसे। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बचियो, दगड़ दल्ली मादे बचियो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। ऐसे काश मैंने ऐसे व्रत खोला होता। खोल दो यू नो, ऐसे ऐसे अभी जैसे दिख रही हूँ ऐसा व्रत खोला होता काश मैंने, यू नो। अच्छा भाई लोग आप सच बताना, क्या आपको इसकी शक्ल देख के लग रही है कि यह करवा चौथ का व्रत रह सकती है? बिल्कुल नहीं यार, हो ही नहीं सकता है। और हाँ राखी सावंत, ये जो तुम करवा चौथ का चांद दिखा रही हो ना, ये सब दिखाना बंद करो, और जब बाहर निकला करो ना तो कुछ ढंग का यार कपड़े पहन लिया करो। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। खैर यार राखी सावंत की छोड़ो, इसकी ना तो कोई इज्जत है, ना ही बॉलीवुड में कोई वैल्यू, ना ही इसे कोई काम दे रहा। जो भी आता है यार इनकी बजा के चले जाता है, हरकतें ही ऐसी है तो कौन बजाएगा नहीं। भाई अब आते हैं फिर से उर्फी जावेद पे। आप लोगों को पता है उर्फी नामक वायरस अब लोगों के बीच में भी फैल रहा है, नहीं यकीन होता ना आप खुद वीडियो को देखिए कैसे उर्फी नामक वायरस हर गांव में अब फैलने वाला है। रुको ना उर्फी जी, अभिषेक को फोटो चाहिए। अभिषेक को, अभिषेक कभी खुद नहीं बोलते। अरे बोल ना, मुझसे क्यों नहीं बोलते? खैर यार अगर बात करें तो ये उर्फी से कहीं ना कहीं छोटा वायरस, अगर उर्फी की बात करें तो उर्फी इसके लेवल में बहुत ही बड़ी वायरस है, क्योंकि यह उर्फी जावेद से ही इंस्पायर है। लेकिन यार मुझे ये बात नहीं समझ में आता, जिसे ये उर्फी जावेद फैशन बोलती है ना, उसे हमारे गांव में यार चुतियाफा बोलते हैं। तेरी शर्ट दा मैता बटन, अब बताओ यार ऐसा फैशन कौन करता है? बाप का, भाई का, बहन का, पटीदार का, सबका बूसट पहन के है यार उर्फी। यार उर्फी जावेद का तो सच में यार मानसिक संतुलन खो गया। आप इस वीडियो को देखिए कि उर्फी अब की बार क्या पहन के आई है। उर्फी ये बाजू आ जाइए, ये बाजू आ जाइए। उर्फी उर्फी जी, ये उर्फी जी,
उर्फी उर्फी एक मिनट रुके ना। यार इससे अच्छा फैशन तो हमारे गांव में बहुरूपिया आता है, जो कि बच्चों को डराता है। यार वही फैशन सेम उर्फी जावेद यहां पे कॉपी करके रखी है। बचपन में आते थे ना बहुरूपिया, वही फैशन है सेम टू सेम उर्फी जावेद कॉपी करके से फैशन बता रही है। हद है यार। मलाइका मैम एक बार साइड पोस्ट प्लीज मैम एक बार ये हाँ लेफ्ट वाला हाँ मैम हाँ हाँ मलाइका मैम एक मिनट मलाइका मैम एक पोस्ट प्लीज मैम मलाइका मैम प्लीज प्लीज मलाइका मैम हाँ मलाइका मैम ऐसे ही हाँ बिल्कुल ऐसे मलाइका मैम। भाई ऐसे छिछोरे लड़कों के लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा, तुम गांडू हो तुम पांडी तुम गांडू हो गांडू। भाई आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं और जल्दी से चैनल को यार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यार बॉयकॉट उर्फी एंड बॉयकॉट बॉलीवुड जरूर लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।